आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 में जो लास्ट क्वेश्चन आया है क्वांटम मैकेनिक्स का। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं करवाया कि बहुत लेंथी क्वेश्चन था, आर्टिकल टाइप था, तो अलग से इस वीडियो बना दी मैंने। क्वेश्चन में पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन किया है कि पोटेंशियल आपका यहाँ पे है वी नोट थीटा एक्स माइनस लैम्डा डेल्टा एक्स, जहाँ पे थीटा एक्स जो है हमारा स्टेप फंक्शन है, डेल्टा एक्स हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, वी नोट लैम्डा पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा अगर एनर्जी बहुत लार्ज है कंपेरेबल टू वी नोट और लैम्डा, साथ में ये रिलेशन दे दिया उन्होंने। तो यहाँ पे एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके लिए आपको जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व करनी है इस कंडीशन के लिए, उसके बाद वेव फंक्शन निकालने हैं, बाउंड्री कंडीशन लगानी है, जो भी इसमें आएगा वो आगे हम देखेंगे। तो देखिए वी एक्स को अगर हम रीडिफाइन करें, यानी कि स्टेप फंक्शन क्या होता है कि नेगेटिव एक्सेस पे जीरो और पॉजिटिव पे वन, अगर वो वैल्यू लगाएं हम नेगेटिव एक्सेस पे वी एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस लैम्डा डेल्टा एक्स, और जो हमारा पॉजिटिव एक्सेस है उस पर थीटा हो जाएगा वन, ये बच जाएगा वी नोट माइनस लैम्डा डेल्टा एक्स। तो इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी वो अगर देखें, तो फर्स्ट रीजन में यानी कि एक्स नेगेटिव एक्सिस पे पोटेंशियल की जगह पे लैम्डा डेल्टा एक्स लिख देंगे, और दूसरे रीजन में यानी कि पॉजिटिव एक्सिस पे पोटेंशियल की जगह पे क्या लिख देंगे वी नोट माइनस लैम्डा डेल्टा एक्स। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने लिख ली। अब देखिए क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे तो डेल्टा एक्स क्या चला जाएगा, इन्फाइनाइट चला जाएगा। हम यूज़ करते हैं अगर मान लो एक्स जीरो नहीं है तो उस कंडीशन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए अगर एक्स जीरो नहीं है तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेल्टा की वैल्यू जीरो होने से जो हमारी इक्वेशन थी ऊपर वाली इसमें रिड्यूस हो जाएगी। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये अगेन आपकी पोटेंशियल स्टेप वाली इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे के वन स्क्वेयर को ये डिफाइन कर दिया, के टू स्क्वेयर को ये डिफाइन कर दिया, क्योंकि ई ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो एक वेव फॉर्म का आएगा। तो ये आप यहाँ से देखिए सॉल्यूशन जो आ जाता है इन दोनों इक्वेशन का वो क्या आ जाएगा, साई वन ए इज रेस्ट बाय आइटा के वन एक्स, बी इज रेस्ट बाय माइनस आइटा के वन एक्स। अगेन ये वाली टर्म इंसिडेंट वेव को दिखाती है और ये टर्म किसको दिखाती है, रिफ्लेक्टेड को। साई टू अगर आप इसी तरीके से निकालें तो वो भी दो कोफिशेंट का सम ही आएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिखाती है ट्रांसमिटेड को, ये रिफ्लेक्टेड को दिखाएगी, लेकिन क्योंकि स्टेप में आगे कोई बाउंड्री नहीं होती जिससे कि वेव आपके रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाए, इसलिए हम डी कोफिशेंट को क्या कर देते हैं यहाँ पे जीरो। तो फाइनली हमारे पास दोनों वेव फंक्शन आ जाते हैं। पहला वेव फंक्शन होगा ए रेस्ट पर आइटा के वन एक्स प्लस बी रेस्ट पर माइनस आइटा के वन एक्स, और दूसरा वेव फंक्शन हमारे पास सी रेस्ट पर आइटा के टू एक्स होगा, डी को हमने जीरो कर दिया। अब आपको निकालना क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। तो देखिए ये आपने पोटेंशियल स्टेप में किया है, हम बार बार करते हैं, तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं बताऊँगी कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकाला, वो आप करंट डेंसिटी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा हमारा, ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन है, ये इंसिडेंट है, इन दोनों से आप निकाल सकते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी ओवर इंसिडेंट करंट डेंसिटी, और वैल्यू जो आएगी हमारी बी मोड स्क्वायर ओवर ए मोड स्क्वायर आएगी, यानी फाइनली आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए कि वेव फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे कंडीशन रखते हैं एक्स को जीरो ई की पावर जीरो वन ई की पावर जीरो वन ई की पावर जीरो वन, तो कंडीशन क्या आ जाती है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ गया। लेकिन बाउंड्री पे पोटेंशियल क्या इन्फाइनाइट है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे वहाँ पे, डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखे अगर बाउंड्री के लिए, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी है, यहाँ पे दोनों का डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो हम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते कि कितना डिफरेंस है दोनों डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी कि एप्सिलॉन जीरो को टेंड कर रहा है, यानी बाउंड्री को टेंड कर रहा है, और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से इनको अलग अलग करके लिख लिया, ये इंटीग्रेशन हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है, तो बाउंड्री पे इधर बाउंड्री के जस्ट इधर और बाउंड्री के जस्ट इधर वेव फंक्शन सेम रहेगा, इसलिए दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये टर्म हमारी जीरो होगी। यहाँ से देखिए इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव बन जाएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन यहाँ पे है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साई नोट आ जाएगा, यानी साई की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पे जो होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाता है,
ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव अगर करें साई टू का, क्योंकि प्लस का मतलब है कि सेकंड रीजन में, सेकंड रीजन में वे फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव अगर करें, ये डेरिवेटिव आएगा। इसमें एक्स की जगह एप्सिलॉन रख दें और एप्सिलॉन को जीरो टेंड करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयटा के टू सी वैल्यू आ जाएगी। इस सिमिलर मैनर में इसकी वैल्यू निकालें, इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव ये आ गया, उसके बाद एप्सिलॉन पुट किया, एप्सिलॉन को जीरो किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास आयटा के वन ए माइनस आयटा के वन बी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास रिलेशन ये आ गई। यहाँ से सी की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी से, तो आपके पास इसको रीअरेंज करके हम लिख देंगे कि बी बाय ए की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। बट आपको चाहिए क्या, आपको तो चाहिए बी मोड स्क्वेयर और ए मोड स्क्वेयर, तो ये दोनों तरफ उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ प्लस आइटा या माइनस आइटा, प्लस आइटा माइनस आइटा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से आपके पास रिलेशन आ जाएगा बी मोड स्क्वायर ओवर ए मोड स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से के वन और के टू की वैल्यू पुट कर दीजिए। के वन की वैल्यू है अंडर टू एम ई ओवर एच कट, के टू की वैल्यू ये है। ये वैल्यू पुट करने से आपके पास रिलेशन इसमें रिड्यूस हो गया, टू एम ओवर एच कट स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, क्या गिवन है, ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वी नोन। ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो यहाँ से ये टर्म इन ई हो जाएगी, ई माइनस ई क्या आ जाएगा, जीरो। ये जीरो टर्म आ गई, सिर्फ ये लेफ्ट हो गई। यहाँ पे वी तो नेग्लेक्ट कर देंगे, अनरूट ई अनरूट ई टू अनरूट ई हो जाएगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो फोर ई आ जाएगा। ये एज इट इज लिख दिया, ऊपर नीचे इस टर्म से डिवाइड कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट यहाँ तक पहुँच गए हम। अब दिया हुआ है क्योंकि ई तो बहुत ग्रेटर है, तो ई बहुत ग्रेटर है उसके कंपैरिजन में हम वन को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द रेशियो ऑफ दिस कोफिशियंट इज एम लैम्डा स्क्वायर ओवर टू ई एच कट स्क्वायर। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा थर्ड। थैंक यू।